नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK Education के लिए। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में हम TLET सेकेंड सेमेस्टर का छठा चैप्टर यानी कि सिक्स चैप्टर जो है इसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम समीकरण और समका का अर्थ। अब इसमें अर्थ ही नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ है जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें समीकरण और सर्वसमका, समीकरण मतलब इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस पता करना होगा। नंबर दो पे समीकरण के प्रकार देखेंगे, द्विघात समीकरण, धराचार्य सूत्र और मूल विव्यक्तिकर और जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसके बाद देखेंगे मूलों की प्रकृति और दिए गए मूलों से समीकरण बनाना। इतने पॉइंट आपकी जो है टोटल 6 पॉइंट हैं और इसका मैं एक वीडियो है ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, उस समय नया नया स्टार्ट किया था, तब मैं इसका वीडियो बना चुका था। उस टाइम मतलब रैंडमली एक ऐसे वीडियो बनाया था, तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा उस समय मे बी, तो उस समय का बेस्ट था। आज के अब ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस करा रहे हैं तो इसलिए इसको साथ में लेके चल रहे हैं हम। ये छठा चैप्टर है, इसके बाद इसका जो है सेकेंड पार्ट में इसमें हम सर्वसमकाओं की बात करेंगे। अभी तो इसमें आज जो है समीकरण की बात करने जा रहे हैं पूरा डिटेल में सही से, और उसमें भी द्विघात समीकरण की बात होगी क्योंकि ये चैप्टर द्विघात समीकरण का है। और इसके बाद जो सेकेंड वीडियो इसका आएगा वो उसमें आइडेंटिटीज की यानी कि सर्वसमकाओं की बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नया है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी करें या ना करें ठीक है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते ना, तो आपसे बोल ही सकते हैं, रिक्वेस्ट है, कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है तो, और बाकी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण क्या होती है और सर्वसमका होती क्या है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। समीकरण जो होता है, व्यंजक जो बीजीय व्यंजक होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं जिनमें चर अचर पद एक साथ होते हैं। अब चर अचर पद ठीक है, चर और अचर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड जो हैं, एक्स वाई जेड नंबर्स इसमें कॉन्स्टेंट में यानी कि आपके नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये होते हैं जो चर होते हैं, उनकी वैल्यू बदल सकती है, अचर की वैल्यू नहीं बदलती है। तो चर अचर पद जो है एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक बीजीय व्यंजक ठीक, बीजीय व्यंजक। तो ये या कह सकते हैं व्यंजक बोलते हैं। तो व्यंजकों को जो है वो लिख दें एक साथ और दो पक्ष बना दें, LHS और RHS ठीक, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और बीच में एक इक्वलिटी यानी कि बराबर का अगर चिन्ह लगा दिया जाए तो ऐसे एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजकों के ग्रुप को हम कहते हैं एक समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे, तो जैसे हमारे पास 3x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लगा है, दो पक्ष हैं क्या है, ये LHS हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हो गया RHS ठीक है। तो यही पहचान होती है समीकरण की। समीकरण में ये जरूरी नहीं है कि इसके दोनों साइड बराबर हो, इसमें क्या होगा दायां पक्ष होगा और बायां पक्ष होगा, एक कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, ठीक, बराबर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं दोनों पक्ष बराबर ठीक। तो एक कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजकों की एक फैमिली टाइप से या ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है यानी कि समीकरण। अब बात करते हैं सर्वसमका, सर्वसमका क्या होती है यानी आइडेंटिटी। तो सर्वसमका एक ऐसा समीकरण होता है जिसके दोनों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि LHS और RHS जिसमें बराबर होता है, LHS और RHS यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों जो है ऐसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर हों वह क्या कहलाता है, उसे कहते हैं सर्वसमका या आइडेंटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। क्लियर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मोस्टली पढ़ा ही होगा सबने, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर इस पक्ष को आप जो है वो एक्सप्रेस करेंगे यानी कि इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको वापस कंप्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक। तो इसीलिए इसके LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यानी कि बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्वसमका यानी कि आइडेंटिटी ठीक है।
तो ऐसा समीकरण कोई जरूरी नहीं है ही वो, कोई भी समीकरण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x+1 = 3x+2 - 1, ठीक। ये भी क्या होगा, इसके भी दोनों साइड बराबर ही होंगे, अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तब तो भी इसके भी दोनों साइड क्या होंगे, बराबर ही आएंगे। तो इसलिए ये भी क्या होगी, एक समीकरण का। तो ये जो इसका जनरल इंटरसेक्शन हो गया। अब सीधे हम आते हैं समीकरण के प्रकारों पे कि समीकरण कितने टाइप की होती है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीपली स्टडी जो है तो समीकरण या और इसमें भी द्विघात समीकरण की स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं समीकरण के टाइप की बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि समीकरण के टोटल कितने प्रकार होते हैं, समीकरण के कितने प्रकार होंगे। समीकरण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है सरल समीकरण, सरल या रेखीय समीकरण। क्या होता है? सरल या रेखीय समीकरण, ठीक। इसके बाद नंबर 2 पे इसका टाइप होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन, ठीक। सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके बाद तीसरा आपका आता है इसमें त्रिघात समीकरण। क्या आता है? त्रिघात समीकरण। और चौथा और लास्ट आपका आता है एन घात समीकरण, एन घात समीकरण, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यानी कि सरल समीकरण क्या होता है? तो इसमें जो होता है चर जो होता है, चर यानी कि एक्स वाई जेड जो होते हैं, ध्यान रखेंगे चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जो ए बी सी डी ओ भी आप लिखते हैं। तो इसकी जो अधिकतम घात होती है, घात जो होगी चर की, घात कितनी होगी, वो 1 होगी। कितनी होगी चर की घात? चर की घात 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे x = 0, ये क्या है, एक सरल समीकरण या रेखीय समीकरण है। ऐसे ही x+3x = 1, ठीक। इस टाइप से जो भी इक्वेशन इस तरह की जिनमें जैसे x के पावर में 1 होगा, लिखा नहीं होता 1 बट होता है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा नहीं होता लेकिन होता है। तो ये हो गया आपका सरल या रेखीय समीकरण। इसके बाद देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ऐसा इसमें जो होता है चर की जो घात होती है, इसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो होती है 2। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, इसको लिखते हैं ax² + bx + c = 0। इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं त्रिघात समीकरण। इसमें जो होता है चर की घात कितनी हो जाएगी? अब जैसे देखो सरल मतलब सिंपल तो 1 हो जाएगा, द्विघात मतलब 2, यानी कि चर की घात 2 हो जाएगी, तो x² हो जाएगा, ठीक। या 22² b² त्रिघात समीकरण है, तो इसमें चर की घात 3 हो जाएगी, तिर मतलब 3, ठीक। तो इसमें चर की घात कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी 3। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये इसका होता है व्यापक रूप, ठीक है। अब जैसे ये वाला द्विघात समीकरण था, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 3x + 2 = 0, एक द्विघात समीकरण। अगर इसका हम लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा त्रिघात समीकरण का, इसका हो जाएगा 4x³ + 3x² + x + 10 = 0, मतलब कोई सच दैट। तो इस बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी, अभी इस चक्कर में थोड़ा सा काफ़ी पार्ट जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया था ये वाले टॉपिक तक, वो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई थी, हट गया था बीच में, तो वो पता नहीं किस तरह से वो भी हुआ, प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। तो अभी आपका जो था इसमें एन घात समीकरण रह गई थी केवल, लास्ट आपकी चौथी वाली एन घात समीकरण, ठीक है, एन घात रह गया था इसमें। तो एन घात को देखते हैं, एन घात समीकरण में क्या होता है कि जैसे ही समीकरण की जो घात होती है वो 3 से ऊपर जैसे ही जाती है, 4, 5, 6, 7, 8 चली जाती है, तो उसे बोलते हैं एन घात समीकरण। इसका जो व्यापक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ax² bx² और cx² और d² n, मतलब ऐसे डैश डैश करके चलता चला जाता है = 0, ठीक है। तो ये हो जाता है एन घात समीकरण का। इसमें 4 घात की समीकरण हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक की घात की समीकरण हो सकती है। ये ज़्यादा डीपली पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, तो इसे जो होता है अब यहीं पे इस टॉपिक को कंप्लीट। अब इसके आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण को, ठीक है। द्विघात समीकरण होती क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जो थर्ड वाला हमारा टॉपिक है इसे देखते हैं, द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। इसमें अभी हमें बताया भी था कि जिसकी अधिक चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात जिसमें दो होती है वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो द्विघात समीकरण में दो टाइप की होती है, एक होती है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध द्विघात होती है, और एक होती है मिश्रित द्विघात। ये क्या होती है, मिश्रित या मिश्र, ठीक है, मिश्र कह सकते हैं, ठीक, मिश्र द्विघात। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका जो मेन द्विघात समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है आपकी द्विघात समीकरण। अब इसमें केवल ए जो बी एक्स वाली टर्म नहीं होगी, यानी कि केवल स्क्वायर की टर्म होगी और अचर पद होगा वो आपका कहलाता है ए एक्स प्लस सी, यानी कि इस टाइप की जो होती है वो। अब जब इसी में एक अभी दूसरा नाम इसका कहलाता है, इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसकी फॉर्म होती है ए एक्स या केवल एक्स स्क्वायर बराबर के, ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये होती है वर्ग समीकरण। इसके जैसे एग्जाम्पल इस टाइप से, जैसे 16x² बराबर 25, ठीक है, x² बराबर हो जाएगा 16, ठीक, इस टाइप से जो होते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं शुद्ध द्विघात के। मिश्र द्विघात में ये वाला आपको जो है वही आता है द्विघात, मिश्र द्विघात में, ठीक। इसका एग्जाम्पल जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका एक मिश्र द्विघात का। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे, कोई जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा है पूरा सही से। तो ये हो जाएगा शुद्ध द्विघात, ये हो जाएगा मिश्र द्विघात, समझ गए होंगे। अब इसके आगे इसमें बढ़ते हैं, धराचार्य सूत्र और मूल क्या होते हैं। तो अब देखते हैं धराचार्य सूत्र, चौथा वाला टॉप ये है धराचार्य सूत्र, धराचार्य फॉर्मूला और मूल भी इसमें क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। तो जैसे आपका द्विघात समीकरण जो होता है व्यापक रूप, उसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही तो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी में ये द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, इसी से एक जब हमें वैल्यू आगे निकालनी होती है, या कह सकते हैं कि जब द्विघात समीकरण हल नहीं हो रही होती हमसे सिंपल मेथड से, तब हम इस एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर ये समीकरण आपका दिया गया एक्स में है, तब यहाँ पे आप लेंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, ये आपका होता है धराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, धराचार्य सूत्र। अब इसी से जो हमें x की वैल्यू मिलती है, या द्विघात समीकरण को हल करने पर जो x के y के यानी कि जो भी चर होता है उसके जो मान मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समीकरण के मूल। मूल क्या होते हैं, अगर इनकी इन्हीं को हम अलग अलग करके लिख दें, इसकी x की वैल्यू तो ये हो जाएगी प्लस चिन्ह के साथ में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी हो जाएगी माइनस माइनस का b और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें जो एक जो पहला वाला है इसको बोल देते हैं अल्फा, ठीक, क्या इसको बोलेंगे, अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। यही जो ये वाली वैल्यू है, जो एक्स की जो मतलब एक्स वाई जेड जो भी चर है, इसकी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला एक प्लस वाला चिन्ह के साथ एक माइनस वाला, इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और बीटा। यही क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, या रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हीं को कहते हैं। क्लियर हो गया, तो यही कहलाते हैं समीकरण के मूल। जो एक्स की वैल्यू आती है समीकरण सॉल्व करने के बाद, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ऐसे एक एग्जाम्पल से आपको बता दें, अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी सूत्र से अगर ले लें, तो पहले तो हमें ए बी सी इस सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो व्यापक रूप होता है, उससे तुलना करके ए बी सी के मान निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, ए बी सी के मान। तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए इससे लिख के देखो सेम इसकी तरह सी बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ए का मान हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। बी का मान कितना मिल रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस किया जाएगी, इसीलिए सी बराबर आ जाएगा 1, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे एक्स और निकाल के देखें साइड, तो एक्स बराबर, क्योंकि ये इक्वेशन पूरी एक्स में ली है हमने, तो एक्स वाला ले लेंगे
और यहाँ जाएगा माइनस का जो है बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्लियर, एक्स बराबर बी का वैल्यू कितना है माइनस तीन है, तो यहाँ जाएगा माइनस तीन और माइनस माइनस तो पहले से ही होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का हो जाएगा तीन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है पाँच, ए की वैल्यू पाँच और सी की वैल्यू लगा देंगे, सी की वैल्यू हो जाएगी वन बटे दो गुणा और फिर से वही ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाँच। ठीक, तो x बराबर जो यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस का तीन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और अंडर रूट ए हो जाएगा नौ और यहाँ हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा चार पंजे बीस, नौ माइनस बीस बटे पाँच दूनी दस। ठीक, फिलहाल इसको जो सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसको अलग अलग जो होंगे वैल्यू वही क्या कहलाएंगे, समीकरण के मूल कहलाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया मूल क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं विव्यक्तिकर और मूलों की प्रकृति। पांचवा टॉपिक विव्यक्तिकर, विव्यक्तिकर सबसे पहले विव्यक्तिकर ही देख लेते हैं। विव्यक्तिकर हो क्या होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ए एक्चुअल में होता क्या है, ए अभी हमने जो धराचार्य सूत्र में जो अंडर रूट में ये लिखा था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये लिखा था धराचार्य सूत्र के अंतर्गत, इसमें यही जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है इसी को हम बोलते हैं विव्यक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है, गलत हो सकता है मे बी, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहते हैं। तो ये जो इसको अगर रूट है यहाँ से हट, ठीक है, तो यही अब जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है उसी को हम कहते हैं विव्यक्तिकर। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक, इसी में आता है आपका मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ये तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो डी की वैल्यू पे, वो भी पहला अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, मतलब डी की वैल्यू जीरो होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर डी की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होगी। तीसरी कंडीशन होती है कि डी की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी होगी यानी कि माइनस की होगी। और टोटल वैसे तो इसमें देखा जाए पाँच कंडीशन बन जाएंगी अब। और इसके बाद चौथी कंडीशन जो हो जाएगी इसमें अगर d बराबर जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब ये अभी बता देंगे क्या होता है। और पांचवी कंडीशन जो है इसमें d बराबर अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। क्लियर, तो d बराबर जब जीरो होगा तो जो मूल होते हैं मूलों की जो प्रकृति होगी, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स होगा जो, वो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल बराबर वास्तविक क्या होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे यानी कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब डी की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी जीरो होगी। ठीक, डी की वैल्यू जीरो मतलब जीरो से बड़ी होगी यानी कि डी की वैल्यू जो होगी वन से आगे यानी कि प्लस में चलेगी। ठीक, प्लस की चलेगी। ठीक, डी की वैल्यू जब प्लस से मतलब एक से ऊपर होगी तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक परंतु क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। क्लियर, यानी कि अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसा होता है कि ये होते हैं मूल हमेशा कभी मतलब एक्स की वैल्यू सेम नहीं आती है। ठीक, एक्स की वैल्यू सेम जब आएंगी जब डी की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अब ऐसी डी की वैल्यू जो होगी वो अगर माइनस में होगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तब जो होंगे मूल आपके क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, उस फिर तो उनकी बात ही खत्म। अब लास्ट में आता है कि d जो होता है पूर्ण वर्ग होता है, d यानी कि होल स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है कि 25 होगा इस टाइप से वैल्यू होगा या 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 25 का क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 3 9 हो जाए, ठीक है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो इस टाइप से जो होल स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, ठीक, इस टाइप से अगर होगा डी की वैल्यू तो ये क्या होंगे, मूल क्या होंगे आपके, मूल यानी रूट्स जो होंगे यानी अल्फा जो बीटा होंगे वो क्या होंगे, परिमेय यानी कि
रेशनल होंगे, यानी कि कह सकते हैं परमेय का मतलब पी अपॉन क्यू की सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है इन्हें। क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की सिंपलिस्ट फॉर्म में होता है, मूलों को लिख सकते हैं। इसका अपूर्ण वर्ग यानी कि 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 13, इस टाइप से जो वैल्यू होगी अगर डी की, ठीक, ये होगा अपूर्ण वर्ग। ठीक, तो इसे बोलते हैं, इसमें जो मूल होंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। ठीक, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, या होंगे भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट इसमें बच रहा है दिए गए मूलों से समीकरण बनाना। अगर मूल दिए रहेंगे तो समीकरण कैसे बनाएंगे? तो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है दिए गए मूलों से समीकरण, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले से दे रखी होगी और उससे आपको क्या होगा? समीकरण बनाना होगा। क्लियर हो गया? इसमें एक टॉपिक अभी रह गया है, वो मूलों का गुणन और मूलों का योग। ठीक है, वो भी हम अभी इसी में बता दे रहे हैं क्योंकि वो इसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मूलों को अगर जोड़ना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर करना होगा तो इसका जो द्विघात समीकरण जो होती है, और अल्फा इंटू बीटा, तो जो द्विघात समीकरण आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसी से हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसी से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जब हमें अल्फा बीटा मतलब इसके लेनी होती है, यह हो जाएगा जो ए वाला पद होता है बी वाला, इसका बी अपॉन माइनस, माइनस बी अपॉन ही हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा अगर करना होगा यानी कि मूलों की गुणा करनी होगी तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटे ए एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इसी में आता है दिए गए मूलों समीकरण जो बनाना होता है उसका समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। इस समीकरण को याद रखना, अगर मूल दिए रहे होंगे तो समीकरण बनाने के लिए इस समीकरण का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 2 और 1, ठीक, अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर कितना है 1। ठीक, और इससे हमें क्या करना है, एक समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये सब चीज़ बता रखी है, उसमें एक दूसरा क्वेश्चन लिया था तो देख सकना, वो भी वीडियो अगर देख लेना आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, अगर इसमें ना समझ में आ रहा हो तो उससे देख लेना, हो सकता है उसमें ज़्यादा और समझ में आ जाए अच्छे से मे बी, क्योंकि मैं बहुत जल्द फास्ट पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डीपली इस पर नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक, यहाँ पे फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एक 3, यानी कि 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ऐसे मूल दिए रहेंगे तो इस प्रकार से समीकरण बना सकते हैं, और इस समीकरण का यूज करना होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, ये याद रखना। और ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पर अभी एंड नहीं हुआ है, अभी इसके आगे जो होता है सर्वसमकाल हो जाएगी, तब ये छठा वाला चैप्टर जो आपका एंड होगा, इसके बाद जो सातवां चैप्टर एंड शुरू होगा वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि SSC रेलवे और सभी, मतलब वो जो चैप्टर है वो एक चर राशि समीकरण वाला है, जिसमें आपके रेलगाड़ी के क्वेश्चन हो गए, कक्षा वाले विद्यार्थियों वाले कुर्सी मेज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो CTET UPTET सभी में आते हैं, तो वो जरूर देखना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।